जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, आप बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई हमारे ऊपर कुछ किया है, किसी ने किया है, तांत्रिक किया है, क्रिया किया है, खिलाया पिलाया किया है। तो आपको जो रोज आप सोते हैं, सोने के बाद जो आपके मस्तिष्क में सपने चलते हैं, उन सपनों से आप पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। और कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सपने हैं ऐसे जिनको देखने से ऐसा समझ में आ जाता है कि कोई समस्या हुई है, कोई बंदिश बंधी है या किसी ने किया कराया किया है। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारे सपने आपको बताऊंगा कि जिनको अगर आपने भी उनमें से कोई सपना देखा है तो आप भी सावधान हो जाइएगा। बहुत छोटी सी प्यारी सी वीडियो और बिल्कुल टू द टॉपिक। जय बाबा की जय, जय गुरु गोरखनाथ, जय होदाम हर की जय, बाग की सरकार की जय। देखिए मित्रों, सपने बहुत तरीके के होते हैं, पर कुछ तरीके के सपने हैं जो विशेष मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पहला, अगर सपने में आपको अपने मृत पितृ यानी कि आपके दादा दादी, पिताजी माताजी या बड़े ताऊ जी चाचा जी, जो भी आपके परिवार में जिनकी डेथ हो चुकी है, अगर वो आपको अपने साथ ले जाते हुए दिखाई देते हैं कि भाई चलो चलें, चलो मेरे साथ चलो, या वो पितर आपको रोते हुए दिखाई दें, वीडियो में रोते हुए दिखाई दें, इन दोनों में से कोई भी काम होता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके घर पे बंदिश है। ये बंदिश का संकेत है, क्योंकि बंदिश में आपके पितर बंधे हुए हैं, रो रहे हैं, या बंदिश में आपके पितरों को बंदिश लगाई गई है कि आप ही अपने बच्चों को नुकसान करो, आप उनको लेके जाओ। ठीक है, तो ये एक सपना तो ये हो गया। दूसरा सपना, अगर आप सपने में कोई शमशान घाट देखते हैं जहाँ लाशें जल रही हैं, ठीक है, शमशान घाट देखते हैं जहाँ लाशें जल रही हैं, या कोई मुर्दा घर देख रहे हैं जहाँ लाशें दफनाई जा रही हैं, या ऐसी कोई जगह देख रहे हैं, शमशान या क्या कहते हैं मुर्दा घर, कब्रिस्तान, जहाँ पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जैसे तैयारी चल रही है ना, विधि बनाते हैं ना, वेदी बनाते हैं, इस पर चिता बनाते ना, तो चिता की तैयारी चल रही है या कब्र खोदे जा रही है, तो ऐसा कुछ भी देखते हैं तो वो भी आप सावधान हो जाइए। क्या क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपके घर पे मस्तानी क्रिया या शक्ति क्रिया छोड़ी गई है किसी ने, क्योंकि वो बंदिश दिखाती है आपकी मौत की, मृत्यु की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सपने में किसी गंदी जगह है, गंदी जगह मतलब कि आप कुछ ऐसे गंदे नदी नाले में गिर गए हैं सपने के अंदर, या ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ मल मूत्र पड़ा हुआ है, लैट्रिन पड़ी हुई है, टॉयलेट हो रखा है चारों तरफ, ऐसी जगह फंस गए हैं सपने के अंदर, है ना, तो अगर इनमें से कोई भी ऐसा सीन आपको दिखाई देता है, या बैठ के आप, कई बार होता है आप देखते हैं कोई बैठ के मलमूत्र खा रहा है, या आप अपने आप को देखते हैं कि हम बैठ के मलमूत्र खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी आप ये मान के चलेगा कि आपके ऊपर बंदिश लगी है। ठीक है, बंदिश लगी हुई है आपके ऊपर। इसके अलावा एक सपना होता है जिसमें आपका मर्डर हो रहा है, आपका खून कर रहा है कोई, आपका कोई चाकू मार रहा है, गोली मार रहा है, या आपको फांसी पर लटका रहा है। ये जो सपने होते हैं वैसे नॉर्मली ये सपना अच्छा होता है, किंतु अगर इस सपने में आपकी जो शरीर है उस शरीर के साथ गंदी हरकत हुई है, आपके हाथ पैर काट दिए गए हैं, आपके शरीर से खून बह रहा है बुरी तरीके से, आप तड़प रहे हैं, एक तो होता है आपको मरता हुआ देखा आपने अपने आप को, आप तड़प रहे हैं, तो ये जो सीन है ये बहुत गलत है। इसका मतलब आपके ऊपर बहुत तकड़ी क्रिया की गई है, बहुत कांड किया गया आपके ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक जो है बहुत गलत है, इसको भी आसानी से आप निगलेक्ट मत कीजिएगा, सावधान हो जाइए, तुरंत सावधान हो जाइएगा। एक और सपना बताता हूँ, सपने में गंदी चीजें देखना, गंदे दृश्य देखना जो रेगुलर आपके साथ हो रहे हैं, मतलब एक तो ये है कि भाई आपने जब कोई उल्टी सीधी फिल्म देख ली, वीडियो देख ली, तो उससे आपके मन में उत्तेजना वाले सपने आए, नहीं वो नहीं,
आपके साथ हो रहा है, आपकी शरीर में पेन हो रहा है उस सपने को देखने के बाद, आपके बॉडी में पेन हो रहा है उस सपने को देखने के बाद, अगर ऐसा कोई सपना आता है तो भी आप सावधान हो जाइएगा। देखिए हमारे सपने जो हमारे इष्ट हैं, जो इत्र हैं, जो पितृ हैं, जो देव हैं, वो आपको शक्ति देते हैं समझने की, चीज़ों को मानने की, चीज़ों को बताने की, और हमें केवल उन जो संकेत उन संकेतों को पकड़ना होता है। तो ये जो सपने हैं, इन सपनों से आपको पता चल सकता है कि आपके ऊपर किसी ने क्यों क्या कराया किया हुआ है, या कोई टोना टोटला तो नहीं होगा, कोई जादू टोना नहीं होगा, ये चीज़ वहाँ से आपको मिल जाती है, देखने पर पता चल जाती है आपको। तो मित्रों अगर इनमें से कोई भी सपना आपने देखा है या आप देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, तुरंत अपने घर में गंगा जल का प्रयोग कीजिए, गंगा जल खाने पीने में भी डालिए, यहाँ तक कि चारों तरफ गंगा जल को छिड़काव किया कीजिए घर के अंदर, अपने ऊपर भी, साथ ही साथ बाबा की भभूत का प्रयोग करना शुरू कीजिए। एक चुटकी भभूत खाने में आप खा सकते हैं और यहाँ तक कि आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं, हवन का प्रयोग किया कीजिए। देखिए ये जो क्रियाएं हैं, क्रियाएं कटती नहीं हैं, इनसे इनका प्रभाव कम हो जाता है एकदम से, जब ये आप प्रयोग शुरू कर देते हो ना, इनसे प्रभाव कम हो जाता है, और प्रभाव को कम करना बहुत ज़रूरी है। काटने के लिए तो देखो आपको कोई ना कोई उपाय करना ही पड़ेगा, कम से कम प्रभाव तो कम होगा। तो इसलिए जो भी ऐसे सपने आपने अभी देखे हैं तो उन सपनों से खुद को बचाइए, सावधान हो जाइए, प्रिकॉशन लीजिए, सावधानी बरतिए, और बाबा गुरु गोरखनाथ की जय जयकार कीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धामा।